Hello guys, this is Nikhil. Today we will talk about UTI. UTI क्या होता है? Urinary tract infection. Urine का जो infection होता है, पेशाब में जो जलन होती है, पेशाब में infection हो जाता है, उसके बारे में. इसका क्या reason है? ये क्यों होता है? क्या कारण है? क्या लक्षण आते हैं? Symptoms क्या होते हैं इसके? इसके अलावा इसके बेस्ट होम ट्रीटमेंट क्या है? यूरिन के इन्फेक्शन का टाइम से ट्रीटमेंट हम नहीं लें, इसको इग्नोर करें तो किडनी डैमेज जैसी समस्या भी हो सकती है. तो वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखेगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा. सबसे पहले हम ये जानते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है, क्यों होते हैं हमें यूरिनरी इन्फेक्शन. ठीक है, तो देखिए हमारी बॉडी में जो दो किडनी होती है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है. फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें से उसको बॉडी से बाहर निकालती है. ठीक है, अब जो ब्लेडर होता है वो हमारे यूरिन को स्टोर करके रखता है. जब भी हम यूरिन पास आउट करते हैं ब्लेडर एकदम हल्का फील होता है, हमारे पेट के नीचे से एकदम आपको हल्का फील होता है ना, हम यूरिन पास आउट कर देते हैं ब्लेडर पूरा खाली हो जाता है तो वो स्टोर होता है. देखिए जो किडनी से ब्लेडर तक ले जाते हैं वो दो यूरेथ्रा होती है, वो यूरिन को किडनी से ब्लेडर तक ले जाते हैं. ठीक है, फिर वो बाहर पास आउट हो जाता है. जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है. तो देखिए ये मेल और फीमेल दोनों में होता है वैसे तो, लेकिन ये फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है. अब हम जानते हैं आखिर क्यों होता है ये यूरिनरी में इन्फेक्शन, क्यों होता है यूटीआई, क्यों होता है हमें. ठीक है, पेशाब में जलन क्यों होती है. इसका फर्स्ट रीज़न है हम पानी कम पीते हैं. ठीक है, बहुत कम पानी का इंटेक करते हैं. जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, हम पानी का इंटेक कम करते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब यूरिन पास आउट करते हैं तो बहुत जलन होती है. सेकंड पॉइंट है जब हमें यूरिन आता है तो हम उसे होल्ड करके रखते हैं. ठीक है, मतलब पास आउट नहीं करते, हम होल्ड करके रखते हैं तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है. फिर नेक्स्ट है बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो उसके कारण भी यूरिनरी इन्फेक्शन होता है. अब कोई डायबिटीज़ पेशेंट है या फिर किसी को हाई ग्रेड फीवर आया है या आपको वायरल हुआ है और इन्फेक्शन हुआ है आपको किसी चीज़ का या प्रेगनेंसी के दौरान, इम्यूनिटी बहुत इफेक्ट करती है इसके दौरान, तो इस रीज़न से भी यूरिनरी इन्फेक्शन होता है. अब जानते हैं हम इसके सिम्टम्स क्या हैं. फर्स्ट सिम्टम है पेट के निचले हिस्से में अपन को पेन होगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द होगा. सेकंड है पेशाब में जलन होगी. जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो उसके दौरान हाथों हाथ ही जलन होना शुरू हो जाएगा और पेशाब करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है, मतलब इतनी होती है कई बार सहन नहीं होती है. और जहाँ यूरिन पास आउट करते हैं हम तो वहाँ रेडिश भी हो जाता है, हमें बार बार पेशाब लगता है. ठीक है, और जब पेशाब हम करने जाते हैं ना तो बूंद बूंद करके पेशाब पास आउट होता है, मतलब यूरिन एक साथ नहीं होता है, वो बूंद बूंद करके ही पास आउट होता है, तो उससे भी बहुत पेन होता है, जलन होती है. अब नेक्स्ट पॉइंट है यूरिन का कलर चेंज होता है. देखिए हमारे बॉडी में गर्मी है या नहीं है, हमें इन्फेक्शन है या नहीं है, ये हमारे यूरिन के कलर से पता चल जाएगा. मॉर्निंग के टाइम पेल येलो कलर का अगर यूरिन आए वो ठीक है, क्योंकि रात भर बॉडी हमारी किडनी फिल्टर करती है उसको, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होता है फिर वो ब्लेडर में भेजती है, फिर वो मॉर्निंग के टाइम सारे पास आउट हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन हमें यूरिन वाइट कलर का ही आना चाहिए. अब वो पेल येलो आ रहा है या हल्का सा ऑरेंज आ रहा है या ब्लड के स्पॉट आ रहे हैं तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है. अब हम जानते हैं, अब मैं बताता हूँ आपके इसके बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हैं. अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको पेट में जो गर्मी भी होती है उससे भी राहत मिल जाएगी और यूरिनरी इन्फेक्शन है तो उससे भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा. तो इस सारे पॉइंट को आप ध्यान से सुनेगा. फर्स्ट पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट है आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, वाटर इंटेक आपको बढ़ाना है. कम से कम 3 लीटर हमारे बॉडी में फ्लूड जाना चाहिए. आप पानी भी पीजिए साथ में छाछ का इंटेक कीजिए. ठीक है, चाय कॉफ़ी लेते हैं तो वो भी लिक्विड में आता है. ठीक है, तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है.
अब नेक्स्ट पॉइंट है, आपको बार बार यूरिन पास आउट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप वाटर इनटेक बढ़ाएंगे तो बार बार यूरिन पास आउट होगा तो वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलेंगे, बॉडी से गर्मी निकलेगी। आपको खुद को पता चल जाएगा, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, पेल येल्लो है तो वाइटिश हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अल्कोहल को अवॉइड करना है, शराब को अवॉइड करना है। जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं तो उसके बाद आप यूरिन पास आउट जरूर कीजिए, ठीक है। इससे क्या है कि जो भी बैक्टीरियल ट्रांसफ़र हुए हैं एक दूसरे को, तो वो निकल जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, तो उसके बाद आप यूरिन पास आउट जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपके पीरियड्स चल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप अपने प्राइवेट पार्ट का अच्छे से क्लीन करें, उसको सफाई रखें उसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए है, आप अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीन मेंटेन करके रखें, टाइम टू टाइम उसके सफाई जरूर करें, ठीक है। पब्लिक जो वॉशरूम होता है उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा उसी में होता है। अगर आपको इमरजेंसी ही है तो आप इंडियन स्टाइल वॉशरूम को यूज़ कर लीजिए, अगर वो भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको पास आउट यूरिन करना ही है और कमोड स्टाइल है, तो एक टिशू से उसको ट्राई कीजिए, उसको क्लीन कर लें, ठीक है, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम लगे, ठीक है गाइस। ये सारे आप होम ट्रीटमेंट फॉलो कीजिएगा, इससे आपके अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, हो रखा है, या इसका आपको बार बार प्रॉब्लम रहती है, पेशाब में जलन रहती है, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी आपको रहे, सीवियर फॉर्म में है, ठीक है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, आपको नियर बाई जो गायनेकोलॉजिस्ट हो उसको दिखाना है, वो आपको यूरिन कल्चर का टेस्ट करवाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा किस रीजन से आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई का मेन रीज़न क्या है, ठीक है, तो वो आप टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा, और जो भी वो मेडिसिन दें तो उनको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिएगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।